I am starting my day 2, next 6:22, good to go. Everyone, so it's day 2, salam, namaskar, sasyakal. तो अभी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर घर से निकल आए हैं और घर से निकल के 7 किलोमीटर अभी हम आ गए हैं द्वारका में. ट्रेन लगे हुए हैं, स्पाइस जेट का है, दोनों स्पाइस जेट के हैं, वो येलो येलो हैं. वहाँ से लोग आते हैं और फिर एंट्री करते हैं. तो मैं टर्मिनल 3 पहुँच गया हूँ और ये टावर है, बैक साइड है. ये अभी ऊपर जा रहे हैं जहाँ से रिसीव करते हैं या फिर डिपार्चर होता है, जब अराइवल डिपार्चर दोनों होता है उस तरफ, टर्मिनल 3 की तरफ. मैं पेडेस्ट्रियल पे पैदल पैदल चल रहा हूँ. इट्स अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और आ गए हो. दिख रहे हैं मेरे पीछे प्लेन, स्पाइस जेट का लगा हुआ है, लोग चढ़ रहे हैं, दो और लगे हुए स्पाइस जेट के. तो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर हो गया है, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा. अब मैं आ तो गया हूँ, मेरे को वापस भी जाना पड़ेगा यार. और इट्स ऑलमोस्ट कितना वक्त हो गया है, 8:03 हो गए और मैं यहाँ पे प्लेन दिखा रहा हूँ तुम लोगों को. मेरे को घर भी जाना है, बट यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है. मैं कैमरा स्विच करता हूँ. ये पूरा रनवे है, एयर एशिया एंड स्पाइस जेट. ये टर्मिनल 3 है, ये पार्किंग लॉट है, ये टावर है, ये पीछे से आए हैं. यार ऐसा लगता है कि हम कहीं और आ गए हैं. एक दो दफ़ा, एक बार मेरी फ्रेंड है स्वाति, उनके फियांसे आए थे तब मैं आया था, तो मैं आ चुका हूँ एक दो दफ़ा, एक दो मरतबा. बट वो होता है तब बचपने में आए थे और आए थे, गाड़ी लगाई पार्किंग में, 5-10 मिनट के लिए चले गए, ध्यान नहीं दिया. लेकिन सही में इट्स वेरी ब्यूटीफुली बिल्ड, काफ़ी सुंदर जगह है. ऐसा लगता है कि आप इंडिया में हो ही नहीं. वो टीवी में नहीं दिखाते हैं, वो हॉलीवुड की मूवीज़ में वो आते हैं एयरपोर्ट से निकलते हैं टैक्सी और बैठ के चले जाते हैं. सिमिलरली अब वही वाला लेन आने वाली है आगे, जहाँ पर आप कहेंगे टैक्सी और वो आपसे 500 रुपये के 1500 रुपये चार्ज करेगा. तो जैसे ये टैक्सी लाइन में खड़ी हुई है, मैं सोच ही रहा हूँ टारगेट तो पूरा हो जाएगा आज का, ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज 25 किलोमीटर आ चुका हूँ, तो इसका मतलब मुझे घर जाने में 25 किलोमीटर लग जाएंगे. बट यार लेट कितना हो जाऊँगा मैं. बहरहाल मुझे बहुत बुरा लग रहा है that nobody has joined me. I do not mean to say कि physically join करो, but आप अपनी अपनी जगहों पर कर सकते हो, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आप go and take this challenge. And अभी weather अच्छा है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मुकाबले 4-5 दिन के, जब 49 degree touch कर रहा था, तो it's good time to you know do cycling. तो आओ निकल के आओ यार बाहर और करो साइकिलिंग वाइकलिंग. अब टर्मिनल 3 आ गए और वही टैक्सी लेन, हेलो टैक्सी, बाय बाय टैक्सी, दिखाता हूँ मैं आपको. ये वही लेन है पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक, उधर टैक्सी वाली लेन है, प्राइवेट वाली लेन है. अब ये साइकिल मेरी पर्सनल है, यानी प्राइवेट है, तो मैं प्राइवेट वाली लेन में चल रहा हूँ. यहाँ पर लोग ड्रॉप करते हैं और निकल जाते हैं, और यहाँ पिक करते हैं और निकल जाते हैं. एक बार हमने भी ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप किया था, तो इट्स गुड यार. एक दिन मैं भी आऊँगा और मुझे कोई लेने आएगा, कॉस नॉट विथ साइकिल. अंकल जगह देख रहे हैं कि इनको पार्किंग की जगह मिल जाए यहाँ पे. ही मस्ट बी कम टू विजिट पिक समवन. पूरा वहाँ से लेके क्रॉस कर दिया है, आई थिंक 7-8 गेट नंबर पे आ गया हूँ. और इसे देख के लग रहा है कि हमारी, मेरी पर्सनली और जो मेरे आसपास लोग हैं, वो एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है.
छोटा सा दिख रहा होगा हवा में उड़ते हुए, रोशनी ऊपर बढ़ती हुई जा रही कि यहाँ पे अगर एयरपोर्ट पे आओ तो कैसे लगता है कि ज़िंदगी कितनी फास्ट चल रही है लोगों की, लोग कहाँ से किस मुकाम पे हैं, कहाँ पे हैं, अलग अलग जगहों पे। लेकिन सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है और सब अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं, बट इट गिव्स यू द मोटिवेशन। मैं यहाँ से घर का रास्ता दूर है, टाइम लगेगा और 25 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। तो ये पूरे टर्मिनल को मैं कह रहा हूँ बाय बाय, और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं कहीं पे घूमने के लिए या फिर देखते हैं क्या होता है। We have covered 50.24 किलोमीटर आज, तो आज का टारगेट फिनिश हो गया। कवर्ड है, साइकिल की हालत हो गई है पूरी तरह से, पूरी मिट्टी 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 सन गई है हर जगह से, सीट पे ये वो सब जगह, इवन मेरे पैरों की भी यही हालत हो गई है। तो डे टू डन एंड डस्टेड, 50 किलोमीटर कवर्ड, 50.34। तो कल की भी मार्जिन निकाल लिया है, कल 25 था, आज 50 हो गया, तो ऑलमोस्ट जो एवरेज आ रही थी वो 70 किलोमीटर की थी और आई थिंक 75 किलोमीटर हो गया। तो कल देखते हैं, आज वैसे बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, बट इट वाज अमेजिंग, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था, और वो तो अभी आप देखेंगे वीडियो में कि कैसा था। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, और मेरा बैग पूरा भीग गया है, मेरी टी शर्ट भी पूरी भीग गई है।